तारीख 3 मई 1999, जगह करगिल, जम्मू कश्मीर। 20 साल पहले देश ने देखा एक युद्ध, देखा देश के वीर सपूतों का शौर्य और देखी शहादत पर नम हुई आंखें। करगिल युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सेना की नापाक साजिश। भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया। 5,000 पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठियों की तरह असलहा और बारूद लेकर बंकरों में घुस आए। उन नापाक सैनिकों का मकसद था 1971 में हारी हुई चोटी पर अपना कब्जा जमाना। लेकिन जैसे ही भारतीय सेना को घुसपैठ की खबर लगी, सेना के जाबाजों ने कमर कसी, दुश्मनों के दांत खट्टे करने की। उधर पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादी LOC को क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में जुटे रहे, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दावा किया कि घुसपैठ करने वाले सभी लड़ाके कश्मीरी उग्रवादी हैं। फिलहाल भारतीय रणबांकुरों ने दुश्मनों को उनके अंदाज में ही जवाब देने की योजना बना ली और फिर हुई दहशतगर्दों को हिंद की जमीन से खदेड़ने की शुरुआत। करगिल की यह जंग तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई। करगिल युद्ध में 30,000 भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया। भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ने कब्जे वाली जगह पर ताबड़तोड़ हमला किया। भारतीय वायुसेना ने करगिल में MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। 26 जुलाई 1999 में भारत ने करगिल युद्ध में विजय हासिल कर ली। करगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 2 महीने तक चलने वाले करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम की गाथा लिख दी। देश विजय दिवस मना रहा है। भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। तारीख 26 जुलाई 1999, दिन सोमवार। हम उन योद्धाओं से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने शौर्य से पाकिस्तान को शिकस्त दी और बन गए करगिल युद्ध के हीरो। नाम दिगेंद्र कुमार, रेजिमेंट राजपुताना राइफल्स, जगह टोलोलिंग पहाड़ी। 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर टोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा करने के 3 प्रयासों के बाद 2 जून 1999 को आर्मी चीफ जनरल VP मलिक ने राजपुताना राइफल्स की गुमरी में मीटिंग ली। लेकिन उसके बावजूद कोई रास्ता नहीं निकल रहा था कि एकाएक 30 साल का एक युवा कमांडो खड़ा हुआ और साहस बटोर कर कहा, मैं नायक दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, इंडियन आर्मी का बेस्ट कमांडो। मेरे पास जीत का एक पक्का प्लान है। पहाड़ी बिल्कुल सीधी है और हम वही रास्ता लेंगे जो दुश्मन ने लिया है। और वही हुआ। दिगेंद्र ने अपने साहस और साथियों के सहयोग से दुश्मनों के 11 बंकरों को नेस्त नाबूद कर दिया और जवाबी फायरिंग में सीने पर 5 गोलियां खाकर शहीद हो गया। देश आज भी उनकी शहादत पर गर्व करता है और इस जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये दिल मांगे मोर। करगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहादत देने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ। विक्रम बचपन से ही देश सेवा की भावना दिल में लिए बड़े हुए। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सेना को ज्वाइन किया कि कुछ दिनों बाद ही करगिल युद्ध शुरू हो गया। दुश्मनों को उनकी औकात बताने के लिए विक्रम बत्रा अपनी टोली के साथ 20 जून 1999 की सुबह तड़के 3:30 बजे श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। पहाड़ की चोटी आसमां को छू रही थी और उनके इरादे उस चोटी के बंकरों में छुपे पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों को दफन करने की थी। विक्रम बत्रा ने अपने बेमिसाल हौसले से पाकिस्तानियों के गुरूर को चकनाचूर करते हुए फतह हासिल कर ली। लेकिन धोखे से एक सिपाही ने उन पर हमला कर दिया और वो उस हालत में भी दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। उनकी हर एक दहाड़ पर दुश्मन सेना के पसीने छूटने लगते थे। अपनी बहादुरी से विक्रम बत्रा ने भारतीय बंकर को दुश्मनों से आजाद करा लिया और जीत के बाद चोटी से ही रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष दिया। ये दिल मांगे मोर।
कैप्टन मनोज पांडे की शौर्य गाथा। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद स्कूल की किताबों में परमवीर चक्र के बारे में पढ़ने के बाद भारत माँ का ये बेटा बड़ा होकर इस तमगे को गले लगाने की चाहत रखता था, जिसकी वजह से उसने भारतीय आर्मी को चुना। मनोज पांडे की शौर्य गाथा सुनकर लोग उन्हें बटालियन का हीरो कहते हैं। करगिल युद्ध में दुश्मनों को पीछे खदेड़ने वाले कैप्टन मनोज पांडे की बहादुरी के अलग अलग किस्से हैं। अपनी परवाह न करते हुए मनोज पांडे ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अपनी बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। वो अक्सर कहा करते थे, या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तो तिरंगे में लिपटा चला आऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। तारीख 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर की धुंधल की शाम में ठीक 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के साइबर जेट्स और स्टार फाइटर्स विमानों ने पश्चिमी सीमा से सटे भारत के 11 एयर स्टेशन पर अचानक हमला बोल दिया। उनका मकसद भारतीय वायुसेना को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। पहला हमला झेलने के बाद सतर्क सेनाओं ने फौरन अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी और दिल्ली के फैसले का इंतजार करने लगी। इंदिरा गांधी उस समय जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने तुरंत दिल्ली लौटने का फैसला लिया। तारीख 5 दिसंबर 1971। युद्ध का आगाज हो चुका था। ये लड़ाई 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही थी, पूर्वी और पश्चिमी। पाकिस्तान की रणनीति ये थी कि अगर वो पश्चिमी सीमा पर दबाव बढ़ाएगा तो पूर्वी सीमा को बचाया जा सकता है, लेकिन भारत का पूरा ध्यान पूर्वी सीमा पर लगा था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने राजस्थान के लोंगेवाला के रास्ते भारत पर हमला बोल दिया। उस वक्त लोंगेवाला में भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवानों की एक ही टुकड़ी तैनात थी, जबकि पाकिस्तान ने 90 टैंकों, ट्रकों और लगभग 2000 सैनिकों के बड़े दस्ते के दमखम के साथ ये हमला बोला था। संख्या और शक्ति में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने पोस्ट छोड़ने से इनकार कर दिया और रात भर अपनी एंटी टैंक मिसाइलों से उनके टैंकों के परखच्चे उड़ाते रहे। सुबह होते ही हंटर विमान उनकी मदद के लिए पहुंच गए और दुश्मन देश के सभी टैंकों को उनकी जगह पर ही जमीन में गाड़ दिया। एक छोटी सी टुकड़ी की इस बहुत बड़ी जीत ने दुश्मनों के दिल में दहशत भर दी। 1971 के इस युद्ध में तीनों सेनाओं ने जबरदस्त जुगलबंदी दिखाई। लोंगेवाला में एयरफोर्स के दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद अब बारी इंडियन नेवी के जौहर और जाबाजी की थी, और उसने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस युद्ध में लगभग एक तिहाई पाकिस्तानी नौबेड़ा तबाह हो गया, जिससे पाकिस्तानी नेवी की कमर टूट गई। जंगे मैदान के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी दुनिया की महाशक्तियों से मुकाबला कर रहा था। युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बांग्लादेश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा कर दी। अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में था और वो संयुक्त राष्ट्र के जरिए भारत पर युद्ध विराम का दबाव बना रहा था, लेकिन सुरक्षा परिषद में रूस की वीटो शक्ति की वजह से उसे मुंह की खानी पड़ी। 14 दिसंबर 1971। 14 दिसंबर का दिन इस युद्ध का सबसे अहम दिन साबित हुआ। भारत के करीब 3000 सैनिकों ने ढाका से बाहर डेरा डाला हुआ था, जबकि शहर के भीतर करीब 30,000 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को पता चला कि ढाका के गवर्नर हाउस में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तानी प्रशासन के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। सेना ने उसी वक्त गवर्नर हाउस पर हमला करने की योजना बनाई और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर सौंपी गई भारतीय वायु सेना को। 2 MiG-21 विमानों ने ढाका के ऊपर उड़ान भरते हुए गवर्नर हाउस पर बमों की बरसात कर दी। गवर्नर हाउस में आग लग गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले ने पाकिस्तानी सेनाओं के हौसले को इस कदर तोड़ दिया कि फिर वो हथियार उठाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह पस्त हो चुकी थी और अब ये युद्ध एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच चुका था। 16 दिसंबर 1971। 16 दिसंबर की शाम जब घड़ी में 5 बजने में केवल 5 मिनट का वक्त बचा था,
पाकिस्तानी फौज के लगभग 94,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। ढाका के रेस कोर्स मैदान पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने नम आंखों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर दस्तखत किए। हमारे सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त। अब दुनिया का नक्शा बदल चुका था और एक नया देश बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ था। 16 दिसंबर कैलेंडर पर छपी कोई तारीख नहीं है, बल्कि ये इतिहास की छाती पर हिंदुस्तानी सेना की वीरता, बहादुरी और बलिदान के उच्चतम आदर्शों का अमिट हस्ताक्षर है। 6 सितंबर 1965। देश 1962 का दंश झेल रहा था। देश में अकाल, आर्थिक समस्या और भुखमरी जैसे हालात थे कि उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री कई चुनौतियों से घिरे थे और उसी दौरान सरहद के पार से पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में जुटे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को समझा रहे थे कि इससे अच्छा मौका अब कभी भी नहीं मिलेगा, जिसके बाद मार्च 1965 में पाकिस्तानी सेना ने छटपट तरीके से भारत के कच्छ में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान ने अप्रैल के महीने में यहां ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। पाकिस्तान को लगा कि उसके ऑपरेशन के आगे भारतीय सेना कहीं टिक नहीं सकेगी, लेकिन ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। 2 महीने बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया और इस ऑपरेशन को जिब्राल्टर का नाम दिया। घुसपैठी हमला करते, रास्ता बंद करते और रसद लूटने के काम को अंजाम देते थे। भारत ने भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने की योजना बनाई। पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब भारतीय फौज लाहौर फतह कर देना चाहती थी। भारतीय सेना की 11वीं कोर ने 3 तरफ से घेरना शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय फौज पाकिस्तान के सुरक्षा कवच इच्छोगिल नहर तक घुस आएगी। भारतीय सेना की 15वीं डिवीजन ने मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की अगुवाई में इच्छोगिल नहर पर कब्जा जमा लिया। लाहौर के घिरने का खतरा मंडरा रहा था। अब राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत के खिलाफ दुनिया में दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान की इस कूटनीति को भांप गए। शास्त्री ने दुनिया के सभी बड़े नेताओं को पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए खत लिखा। तारीख 7 सितंबर 1965, जगह खेमकरण।
बॉर्डर से 5 किलोमीटर भीतर भारतीय क्षेत्र खेमकरण पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज ने खेमकरण को वापस लेने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी। खेमकरण से पाकिस्तानी सेना को पीछे ढकेलने के लिए इच्छोगिल नहर पर तैनात भारतीय सेना के 15वीं डिवीजन को वापस बुलाकर खेमकरण के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तानी टैंकों की धूल खेमकरण से 7 किलोमीटर दूर हवा में उड़ने लगी थी। तकरीबन 300 से ज्यादा टैंकों की खरखराहट से पूरा वायुमंडल गूंज गया था। तारीख 8 सितंबर 1965, जगह खेमकरण। 8 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज के डिवीजन पर हमला बोल दिया। युद्ध की लपेट से सीमा पर बसे गांव भी अछूते नहीं रहे। पाकिस्तानी सेना टैंक पर सवार होकर खतरे से बेखौफ अमृतसर की तरफ आगे बढ़ने लगी। जहां इनके इस्तकबाल में जनरल हरबख्श सिंह ने एक पुख्ता रणनीति तैयार की थी। तारीख 10 सितंबर 1965, भारतीय सेना दबाव में थी। इस मुश्किल घड़ी में भारतीय सेना का एक ऐसा जाबाज भी था जिसने अपने रण कौशल से खेमकरण के जंगे मैदान में पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए, जिसके सटीक निशाने और बुलंद हौसलों के आगे पाकिस्तान की एक भी न चली और वो पस्त हो गया। उसने अपने बेमिसाल शौर्य और सटीक निशाने से पाकिस्तान के उन टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए जिसे पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी अभेद्य मानता था, जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 7-7 टैंकों को कर दिया जमींदोज। अपने फौलादी इरादों के साथ दुश्मन टैंकों को आग के गुबार में बदल देने वाले वो बहादुर थे चौथी ग्रेनेडियर के हवलदार अब्दुल हमीद, जिसने देश की सलामती के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान का गुरूर शिकस्त खाने को तैयार नहीं था, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की फौज ने उसे घुटने पर गिराने के लिए सियालकोट पर हमला बोल दिया और दुश्मन के खेमे में दहशत पैदा कर दी। फौज की एक टुकड़ी ने फैसला लिया कि वो पाकिस्तान की सेना को रुड़कीकरण की तरफ से घेरेगी और दुश्मन को चकमा देकर उस पर हमला करेगी। आसमान से पानी बरस रहा था, जमीन दलदल हो गई थी, टैंकों की रफ्तार थमने लगी थी, लेकिन वन आर्मर डिवीजन के हौसले अभी पस्त नहीं हुए थे। तारीख 11 सितंबर 1965, भयंकर युद्ध छिड़ गया था जहां 1965 के समय का सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ। दिन के 3:30 बजे भारतीय सेना ने फिल्लोरा और आसपास के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। टैंकों की इस लड़ाई में पूना आर्मर रेजिमेंट की 4 हॉर्स और 17वीं हॉर्स ने अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। फिल्लोरा पर चढ़ाई करने के दौरान लेफ्टिनेंट तारापोर अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक दुश्मन का हमला हुआ। सामने से दुश्मन गोलियां बरसाने लगे और आसमान से वायुसेना गोले दाग रही थी, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने पाकिस्तान के इस आक्रमण का माकूल जवाब दिया और दुश्मन सेना के
दांत खट्टे कर दिए। लड़ाई के दौरान एक गोला लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंक पर गिरा और टैंक के चिथड़े उड़ गए, जिससे भारत माता का एक और बेटा मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर शहीद हो गया। स्थिति नाजुक थी। भारत ने वायुसेना को कमान सौंपी। वायुसेना के मिस्टर निमान ने सरगोधा पर एक के बाद एक 26 हमले किए और सरगोधा के रनवे को तहस नहस कर दिया। वायुसेना के नेट्स, मिस्टर और वेम्पायर ने आसमान से आग उगलना शुरू कर दिया। इस पूरे युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बाद युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का आदेश भी जारी कर दिया गया और 22 सितंबर को अयूब खान ने अपनी आवाम को युद्ध रोकने की सूचना दी। इधर लाल बहादुर शास्त्री ने भी यूएन के आदेश को मानते हुए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। लेकिन इस जंग में देश उन जवानों की बहादुरी को याद करेगा जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर करते हुए उन्हें उनकी औकात बता दी। और उसी दौरान साहिर लुधियानवी की लिखी नज्म बरबस याद आ जाती है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, फतेह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पर रोती है, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है।